हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूं। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं डीवी स्टार भोपाल 22/10/2022 का ये न्यूज़पेपर है, यहां पर आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा के बाद लागू किए नए नियम में से अपात्र हुए उम्मीदवार। अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती में अंग्रेजी साहित्य से एमए करने वाले ही अपात्र, एमबीए वालों को दी जा रही है नौकरी। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी विसंगतियाँ यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसे हम पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षक के 19,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती 2018 में पास हुए अभ्यर्थियों से अंग्रेजी विषय में 3,000 पदों पर सैकड़ों उम्मीदवार पात्र होने के बावजूद भी अपात्र बताया जा रहा है। अधिकारियों ने काउंसलिंग के दौरान इन नियमों के लिए मनमाने नियम लागू कर दिए। जो उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में एमए डिग्री धारियों ने अपात्र बताया जा रहा है, वहीं एमबीए करने वाले उम्मीदवारों को इन पदों के लिए पात्र बताकर नौकरी दी जा रही है। पात्र उम्मीदवार अब इन भर्तियों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसा हुआ तो संभव है कि 4 साल से रुकी भर्तियां एक बार फिर से रुकावट आ जाए। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग ने अपने अपने स्कूलों में खाली वर्ग एक और वर्ग दो 19,000 पदों के लिए पीएवी जारी 2018 परीक्षा कराई थी। इसमें तकरीबन 11,000 वर्ग दो के पद थे। इसमें 5,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग के और 6,000 पद जनजाति विभाग के स्कूलों के में खाली थे। इनमें से 3,000 पद अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के खाली पद पीएबी ने परीक्षा के लिए जो नियमावली जारी की थी उसके मुताबिक वर्ग दो का शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संकाय में सिर्फ स्नातक मांगी गई थी। नियमावली में यह कहीं भी नहीं लिखा था कि अंग्रेजी का शिक्षक बनने के लिए स्नातक में अंग्रेजी विशिष्ट विषय होना जरूरी है या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर करने वाले को तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि संबंधित विषय में स्नातक मांगा गया था, मुझे जहाँ तक याद है, आप भी करेक्शन करें कमेंट बॉक्स में, कि संबंधित विषय में स्नातक मांगा गया था। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षक बनने के लिए स्नातक में अंग्रेजी विशिष्ट विषय होना जरूरी है या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर करने वालों को तवज्जो नहीं दी जाएगी। नियमावली के हिसाब से खुद को योग्य मानकर प्रदेश के हजारों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और पास भी हो गए। पीवी ने इस परीक्षा परिणाम को घोषित कर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट काउंसलिंग में ये स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग को सौंप दी है। मार्च 2020 में इसकी पहली काउंसलिंग होनी थी, लेकिन कोरोना कारण मामला टल गया। करीबन 2 साल बाद जनजाति विभाग ने 26 अगस्त को दूसरी काउंसलिंग शुरू की थी, लेकिन इसमें अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को चुनने के मनमाने नियम लागू करने से सैकड़ों पात्र उम्मीदवारी नौकरी से वंचित हो गए। काउंसलिंग में एमए अंग्रेजी वालों को यह कहकर अपात्र बताया जा रहा है कि स्नातक में उनका एक विशिष्ट विषय नहीं था। इन छात्रों की भर्ती के लिए अधिकारी खुद को द्वारा तय रूल बुक के नियम तक मनमाने तरीके तैयार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ निकल के आ रही है, अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को चुनने में मनमानी नियम लागू किए गए, सैकड़ों पात्र उम्मीदवार नौकरी से वंचित हैं। काउंसलिंग में एमए अंग्रेजी वालों को ये कहकर अपात्र बताया जा रहा है कि स्नातक में उनका एक विशिष्ट विषय अंग्रेजी नहीं था, जबकि ये नियम नहीं है। दोस्तों, आप बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जो मास्टर डिग्री है वो उस संबंधित विषय में होना चाहिए। वो यदि इंग्लिश में है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये नियम था दोस्तों, ये ही नियम है, अभी भी है आप देखेंगे तो। आपके ग्रेजुएशन लेवल में कौन से सब्जेक्ट हैं उनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वर्ग एक में आपका, वर्ग एक में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये नियम तो लागू होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बीएससी बीकॉम या आपने कुछ भी किया हो, लेकिन आपने भाषा से यदि एमए कर लिया तो वो मान्य होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये एक विसंगतियाँ निकल के आई हैं दोस्तों। पीएबी नियमावली के मुताबिक वर्ग दो शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय में स्नातक होना जरूरी, बाद में अफसरों ने बदल डाले नियम। यहाँ पर देखेंगे तो डीबी स्टार की पड़ताल में मुताबिक अंग्रेजी विषय में शिक्षक बनने के लिए छात्रों ने 2018 पीएबी रूल बुक के हिसाब से आवेदन किया था, तब इसमें लिए पात्र थे। दरअसल परीक्षा के लिए जनजाति कार्य विभाग द्वारा 8 अगस्त 2018 को भर्ती नियम तय कर उन्हें असाधारण राजपत्र प्रकाशित किया गया। राजपत्र के अनुक्रम में 2 के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए जो नियम बताए गए थे, इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्नातक उपाधि के साथ प्रारंभिक में 2 साल डिप्लोमा, भले वे किसी भी नाम से जाना जाता, तो मांगा गया था। स्नातक उपाधि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि थी जहाँ तक मुझे याद है। आप करेक्शन करें दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके साथ ही शिक्षक पात्रता पर उत्तीर्ण अनिवार्य किया गया था। राजपत्र प्रकाशित इस नियम से के भरोसे हजारों लोगों ने आवेदन कर परीक्षा पास कर ली है। लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा जी ने मार्च 2022 में नए नियम तथा करने कमेटी बनाई थी। कमेटी द्वारा तय मापदंडों के कारण स्नातक डिग्री के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले को स्नातक में अंग्रेजी विशिष्ट विषय नहीं होने के हवाला देकर
आप पात्र बताना शुरू कर दिया। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर जो वक्तव्य है वो शेयर किया गया है। जैसे कि जो ये अभ्यर्थी हैं उनका उनका कहना है कि परीक्षा के साथ भर्तियों का इंतजार करते करते मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए भी कर लिया। डिग्री के बाद मैं अंग्रेजी विषय के लिए और ज़्यादा पात्र हो गया, लेकिन काउंसलिंग में मुझे बाहर कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि स्नातक में मेरा विशिष्ट विषय अंग्रेजी नहीं था, जबकि रूल बुक में ऐसा जिक्र नहीं है। सेकंड, यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के लिए जो रूल बुक बनाई गई है उसके हिसाब से वर्ग 2 में अंग्रेजी विषय के लिए पात्र थी, लेकिन सभी शैक्षणिक योग्यता होने के बाद भी स्नातक में अंग्रेजी विशिष्ट विषय नहीं होने के कहकर नौकरी नहीं दी जा रही है, हम कोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट में जाने की बात कही गई है। यहाँ पर देखेंगे तो जनजाति विभाग माध्यमिक शिक्षा के लिए जो रूल बुक प्रकाशित की थी अब वह उसे मनमाने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों का परीक्षा होने के सालों बाद कमेटी बनाकर मनमाना नियम लागू कर दिया। शिक्षक मंत्री जी से भी मिलने की कोशिश की लेकिन समय नहीं मिला। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस संबंध में डीबी स्टार जो है जनजाति विभाग के श्री एस तोमर, लोक शिक्षण संचालय के आयुक्त श्री आयुक्त वर्मा जी के साथ श्री शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से लगातार 3 दिन के बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तीनों की व्यस्तता का हवाला देकर देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो व्यस्त चल रहे हैं, तो उस हिसाब से इस पर वक्तव्य नहीं आया इस नियम के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं कि जो वर्ग 1 है उसमें एमए इंग्लिश से होना ही आवश्यक था, ना कि ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा, तो हम नोटिफिकेशन खोलकर उसे देख लेते हैं एक बार और वर्ग 2 का भी कंफर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये पीएबी की ऑफिशियली वेबसाइट है और यहाँ पर हम 2018 के एग्जाम जो होने थे, जो कि फॉर्म फिल कराए गए थे, वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराए गए थे। तो यहाँ पर दोनों की रूल बुक डली हुई है, वर्ग 1 की और वर्ग 2 की। तो सबसे जो फर्स्ट रूल बुक जारी की गई थी वही हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर संशोधन होते गए, चाहे हम एज के संबंध में या और भी चीज़ें जो संशोधित करते गए, डेट्स भी संशोधित होती गई, तो वो काफ़ी है। लेकिन फर्स्ट जो जारी हुआ था हम उसी को देख लेते हैं कि उसमें क्या योग्यता दर्शाई गई थी। तो दोस्तों, ये वर्ग 1 की रूल बुक है जो सबसे पहले जारी की गई थी और 29 दिसंबर 2018 से आपके आवेदन शुरू, परीक्षा का दिन है ये आवेदन। तो आपके देखिए ऑनलाइन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 11/9/2018 है ना, ये इसमें, और जो एग्जाम डेट दी गई थी वो ये दी गई थी, हालांकि एग्जाम डेट अपडेट होती रही दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम योग्यता पढ़ लेते हैं। तो पेज नंबर 4 पर यहाँ पर एक ही योग्यता दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं छठवें पॉइंट में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर। संबंधित विषय में से जिस विषय में भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए, उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष। तो आपके पास बीएड होना चाहिए और अन्य राज्यों में बीएड के समकक्ष कुछ और भी चलता है तो वो होना चाहिए, ठीक है, जो बीएड के लेवल का हो, इन दोनों में से कोई। तो यहाँ पर तो क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई मेंशन आपका ग्रेजुएशन का नहीं किया गया है, सिर्फ आपका उस सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर होना चाहिए, है ना, यहाँ पर लिखा होगा। तो संबंधित विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आप मान लो हिंदी से एमए कर रहे हो और इंग्लिश का एग्जाम देते हो तो वो नहीं माना जाएगा, इंग्लिश से एमए किया है, इंग्लिश का ही एग्जाम दिया है, तो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी, है ना, सेकेंड डिवीजन यहाँ मांगी गई थी और उसमें स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। यदि ग्रेजुएशन में वो चीज़ मांगी जा रही है तो वो गलत है, नियम विरुद्ध है। यहाँ पर नियम स्पष्ट पहले ही कर दिए गए थे। अब हम देख लेते हैं आपके वर्ग 2 का, ये वर्ग 1 का है। अब ये दोस्तों वर्ग 2 का नोटिफिकेशन है जो भी पीएबी पे अभी भी डला हुआ है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपके जो आवेदन की ऑनलाइन तिथि थी वो 28/9/2018 से शुरू होनी थी, उससे पहले का ये है, मीन्स ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी हुआ था, है ना, और आपके 19 जनवरी 2019 से प्रारंभ होनी थी परीक्षा, फिर जो अपडेट होती रही है, जो डेट है ना वो बार बार अपडेट होती रही, आपको पता है। अब इसमें हम योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे पॉइंट नंबर 7 स्पष्ट दिया गया है कि संबंधित विषय में स्नातक संबंधित, है ना, तो यहाँ पे उसमें एक चीज लिखी हुई है कि किसी भी विषय में आप स्नातक, तो वो यहाँ पर नहीं था। मैं जब से शिक्षक भर्ती से जुड़ा हूँ इस नोटिफिकेशन को इतनी बार रट चुका हूँ कि अब ये मुझे मुंह जवानी याद हो गई। तो मुझे ये था कि संबंधित विषय में स्नातक ही लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय
डिप्लोमा जो कि आपके डी एड डी एल एड वाले अलाउड थे तो उनके लिए था, है ना। यहाँ पर यदि आप नीचे देखेंगे तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बी एड, ठीक है। ये बी एड के लिए, ये दो मेन थी इसमें, और फिर और योग्यताएं दी गई हैं नीचे। तो अधिकतर तो सब में ही लिखा है कि संबंधित विषय में स्नातक, ये वर्ग दो की क्वालिफिकेशन थी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप ये पॉइंट देख रहे होंगे कि अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को चुनने के मनमाने नियम लागू करने सैकड़ों पात्र उम्मीदवार नौकरी से वंचित हो गए, काउंसलिंग में एमए अंग्रेजी वालों को यह कहकर अपात्र बताया जा रहा है कि स्नातक में उनका एक विशिष्ट विषय अंग्रेजी नहीं था, तो ये नियम था ही नहीं दोस्तों। आपके स्नातक में आपका वो विषय होना चाहिए, ना स्नातकोत्तर में, सॉरी स्नातक में वो विषय है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमए में वो विषय होना चाहिए, मैंने आपको रूल्स बुक सामने ही पढ़ के बताई जो कि जारी हुआ था। तो यदि इसलिए उन्हें बाहर किया जा रहा है कि उसका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं था, तो ये नियम विरुद्ध है दोस्तों, और इसके लिए आवाज उठानी ही चाहिए। दूसरा ये है, वर्ग दो का भी यहाँ पर लिखा हुआ कि राजपत्र अनुक्रमांक दो के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक वर्ग दो के लिए जो नियम बताए गए थे, इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर स्नातक उपाधि के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा वही वे किसी भी नाम से जाना जब मांगा गया था। इसके साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। राजपत्र में प्रकाशित इन नियम के भरोसे हजारों लोगों, तो यहाँ पर ये एक हो रहा है कि किसी भी विषय में स्नातक नहीं मांगा था, संबंधित विषय में ही स्नातक मांगा गया था। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट जाने की कर रहे हैं, क्योंकि पात्र उम्मीदवार इन भर्तियों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसा हुआ तो संभव है कि 4 साल से रुकी भर्तियां एक बार फिर से रुकावट आ जाए दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ी है, लेकिन यदि कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है और विभाग उस हिसाब से नहीं सुन रहा है, तो फिर आगे कोर्ट ही उनके पास एक रास्ता बचता है। आप स्वयं देखें दोस्तों, क्योंकि वर्ग एक में जो योग्यता मांगी गई थी वो आपकी मास्टर यानी स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में मांगा गया था, ठीक है। स्नातक से उसमें वर्ग एक में कोई संबंध ही नहीं है। वर्ग दो की बात करें तो संबंधित विषय में स्नातक बिल्कुल मांगा गया था, तो उस विषय में आपको जो है स्नातक होना चाहिए था वर्ग दो। तो दोस्तों आप इस विषय में क्या सोचते हैं अपने कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आप भी एक जागरूक शिक्षक हैं और हर एक नियम को भली भांति से जानते हैं, और जो भी आपके जो नियम हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपके कमेंट मुझे जरूर रीड करने हैं दोस्तों कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।